मैं पंकज शर्मा, प्रेसिडेंट ऑल J&K 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर फोरम। मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का वेलकम करना चाहता हूं अपनी फोरम की तरफ से। उन्होंने जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल कंसल्टेंट एडहॉक और नीड बेस्ड कैजुअल बेस्ड एम्प्लॉइज़ हैं जम्मू कश्मीर में, उनको रेगुलाइज करने के लिए ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो डिसीजन लिया है, मैं अपनी फोरम की तरफ से उनका वेलकम करता हूँ और उनसे ये अपील भी करता हूँ, हैंड फोल्डर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस लॉन्ग पेंडिंग जेन्युइन डिमांड को, क्योंकि हम लोग जो है काफ़ी लंबे समय से अपनी जेन्युइन डिमांड को लेके एजिटेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी जो जेन्युइन डिमांड है पूरी नहीं हुई। और पिछले दिनों हमने उनके नोटिस में भी लाया है और ऑनरेबल एडवाइज़र टू लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री राजीव राय भटनागर जी से भी हमारी मीटिंग हुई, उनके नोटिस में भी हमने लाया और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि आपका केस जो है क्वाइट जेन्युइन है। उन्होंने ऑर्डर स्टडी किए टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट के द्वारा इश्यूज़ किए गए थे हमारे फेवर में, जो अभी तक फाइल में पड़े हुए थे उन्होंने स्टडी करके हमने एश्योरेंस दी हमें कि आपका केस जो है बिल्कुल जेन्युइन है और आपका केस जो है विद इन डेज रिजॉल्व हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से उनसे ये अपील करना चाहता हूँ अपनी फोरम की तरफ से कि इस इशू को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें ताकि हम लोगों को और ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। कितने टीचर हैं टोटल 10+2 के जो इसके लिए जद्दोजहद कर रहे थे? देखिए, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट SROs जो है फ्रेम किए गए थे। 2003 में एक SRO फ्रेम किया गया था 1301, उसके तहत अकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस पे लेक्चर्स को अपॉइंट किया गया था डिफरेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में, फार फ्लंग एरियाज में जो हायर सेकेंडरी स्कूल जो है बंद पड़े हुए थे उनमें अकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस पे लेक्चर्स को अपॉइंट किया। 3 साल के कार्यकाल के बाद उनको रेगुलाइज करने का उसमें प्रोविज़न था। कुछ जो है हमारे लेक्चर्स उस SRO में फॉल करते हैं, 2000 उसको जो है विद इन 3 डेज उस SRO को, उस पॉलिसी को जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के द्वारा मॉडिफाई कर दिया गया। इन फ्यूचर जो है ऑल जो है अकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस पे जो लेक्चर्स थे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कन्वर्ट हो गए और 2010 में एक सिविल सर्विस स्पेशल प्रोविजन एक्ट जो है फ्रेम किया गया जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें 7 साल की सर्विस के बाद रेगुलाइज करने का प्रोविजन था। सारे कितने कुछ मैं वही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ जो है उस एक्ट में फॉल करते हैं। और 2017 में एक SRO फ्रेम किया गया SRO 520, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी लेफ्ट आउट केसेस थे उनको रेगुलाइज करने का उसमें प्रोविजन था। तो कुछ कैंडिडेट जो है कुछ लेक्चर्स उस SRO में फॉल करते हैं, तो टोटल मिला के हमारे नियर अबाउट 1000 जो है लेक्चर्स जो है हैं। मैं आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहूँगा कि हमारे इशू को विद इन डेज रिजॉल्व करें, क्योंकि हम लोग जो है बड़े फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, कुछ लोग हमारे डी ट्रैक हो चुके हैं। तो मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये अपील करूंगा कि वो पर्सनली इंटरवीन करके वो इस इशू को रिजॉल्व करें ताकि हम लोगों को और ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े।